सरोज शर्मा मौत की दिल दहला देने वाली कहानी। आखिर किसने किया हत्या, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को। इंजीनियर अनुज शर्मा 11 दिसंबर 2022 की शाम को जयपुर में विद्याधर नगर के सेक्टर 2 स्थित लालपुरिया अपार्टमेंट के बाहर आया। इधर उधर नजर दौड़ाए, अपार्टमेंट की पार्किंग में गाड़ी पार्क कर उसकी डिक्की खोली और उसमें से मिट्टी सनी बाल्टी और एक बड़ा सूटकेस निकाला। उन्हें लेकर वह अपार्टमेंट की लिफ्ट में घुस गया। सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर उसने जेब से चाबी निकाली और फ्लैट में दाखिल हो गया। उस फ्लैट से कुछ समय बाद वह फिर नीचे आया और पड़ोस की बिल्डिंग के बाहर एक वृद्ध महिला से बोला, आंटी ताए आपके पास आई हैं क्या? नहीं बेटा, नहीं तो। उन्हें तो मैंने सुबह से ही नहीं देखा, वृद्धा आश्चर्य से बोली। सुबह से नहीं देखा तो फिर कहाँ गई होंगी? अनुज चिंता जताते हुए बोला, तुम उनको फोन कर लो, कॉलोनी के अपने रिश्तेदारों से फोन कर पूछ लो। वृद्धा बोली और अपने मकान की तरफ जाने लगी। आंटी फोन तो घर पर ही चार्जिंग में लगा है, वह दिन में 2-3 बजे मंदिर जाने को बोली थी, मैं तो सुबह का निकला हूँ, अभी लौटा हूँ। अनुज बोला, बेटा एक बार मंदिर के पुजारी से पूछ लो, वह वृद्धा जाते जाते बोल गई। उसके कहे अनुसार अनुज भी पहले पास के मंदिर में जाने की सोचकर मंदिर की ओर बढ़ गया। रास्ते में जो कोई जान पहचान का मिला उनसे अपनी ताई के बारे में पूछ बैठता। उसकी ताई सरोज शर्मा करीब 65 साल की थी, बीमार चल रही थी। करीब 1.5 साल पहले ही अपने घर अजमेर से आकर देवर यानी अनुज के पिता बद्री प्रसाद के यहाँ रहने लगी थी। वह दिन में अक्सर मंदिर चली जाती थी लेकिन 1-2 घंटा गुजार कर वापस लौट आती थी। अनुज को ताई सरोज शर्मा की तलाश करते करते शाम के 7 बजे से रात के 9 बज गए थे। घर में वह उस समय अकेला ही था। उसके पिता बद्री प्रसाद शर्मा और 30 वर्षीय अविवाहित छोटी बहन शिवी भी घर पर नहीं थे। वे एक दिन पहले ही रिश्तेदारी के सिलसिले में जोधपुर गए थे। माँ अनुराधा देवी की 1.5 साल पहले कोरोना से मौत हो गई थी। ताई अजमेर में रहती थीं। उनके पति राधेश्याम 3 बच्चों को छोड़कर 1995 में ही गुजर गए थे। उनमें 2 बेटियां और 1 बेटा है लेकिन उनकी जिंदगी एकदम से तन्हा हो गई थी। दोनों बेटियां मोनिका 40 और पूजा 38 अपनी अपनी ससुराल में ही खुश थीं, जबकि बेटा अमित शर्मा कनाडा में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। वह वहीं रह रहा था। सरोज अपने घर में अकेली ही रहती थी। हाँ, मोनिका की ससुराल अजमेर में ही थी, सो बीच बीच में हफ्ते 2 हफ्ते में वह उससे मिलने जुलने और हाल समाचार लेने आ जाया करती थी। बद्री प्रसाद पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हुए थे। उनका बड़ा बेटा अनुज 32 और बेटी शिवी है। पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद वह अपनी अकेली रह रही विधवा भाभी सरोज शर्मा को अपने घर ले आए थे। इस तरह से परिवार में सभी की जिंदगी मजे में गुजर रही थी। सरोज बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही लाड़ा प्यार देती थीं। कुछ घरेलू कामकाज में हाथ भी बंटा देती थीं और ऊंच नीच होने की स्थिति में बच्चों को डांटती रहती थीं। उनकी छोटी बड़ी समस्या को सुलझाने में सहयोग करती थीं। देवर और उनके बच्चे भी उन्हें काफी प्यार करते थे और उन्हें अपनी माँ की तरह ही मान सम्मान देते थे। बद्री प्रसाद बेटे और बेटी की शादी को लेकर चिंतित रहते थे। उनकी शादी की उम्र निकली जा रही थी, वह पहले बेटी की शादी करना चाहते थे। इस सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करते थे। बेटी शिवी के लिए इंदौर से एक रिश्ता आया था। लड़के वालों ने इंदौर में लड़की दिखाने के लिए बुलाया था। इस कारण वह शिवी को लेकर 10 दिसंबर 2022 को इंदौर चले गए थे। घर में अनुज और ताई थे। अनुज थोड़ा अलग मिजाज का था। कहने को तो इंजीनियर था लेकिन अच्छी जॉब नहीं मिलने के कारण तनाव में रहता था। कभी वह एकदम गुमसुम बना रहता था या फिर जब किसी बात की जिद पकड़ लेता था तब उसे पूरा करने पर ही दम लेता था। ऐसे में कई बार उसके तेवर आक्रामक भी हो जाते थे, तब वह पागलों जैसी हरकतें करने लगता था। उसकी इस आदत से घर में सभी परिचित थे, लेकिन ताई की उसे काफी परवाह थी और धार्मिक विचारों का भी था। 11 दिसंबर 2022 को ताई घर से कहां चली गई होंगी इसका अंदाजा पास पड़ोस में किसी को नहीं था। अनुज भी कोई ठोस जानकारी नहीं दे रहा था कि वह घर से कब निकली, क्यों निकली, कहां जाने वाली थी, किससे मिलने जाना था आदि। पड़ोसियों को सिर्फ यही बता रहा था कि वह खुद घर से दिन में निकल गया था। ताई के घर पर नहीं होने पर अनुज व्याकुल हो गया था। आखिर पड़ोसियों के बीच यही निर्णय लिया गया कि पुलिस में सरोज शर्मा के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज करवा दी जाए। रात के 10 बजे के करीब विद्याधर नगर थाने में सरोज देवी की गुमशुदगी की सूचना लिखवा दी गई। उसी वक्त उनकी बेटियां पूजा और मोनिका को भी इसकी सूचना दे दी गई।
मां के लापता होने की सूचना पाते ही दोनों बेटियां 12 दिसंबर को जयपुर आ गईं। तब तक अनुज के पिता और बहन भी इंदौर से वापस लौट आए थे। घर का माहौल उदासी और चिंता का बन गया था, जब तक पास पड़ोस के लोग आकर सरोज शर्मा के मिलने के किसी सुराग के बारे में पूछ जाते थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। इस तरह 2 दिन निकल गए, सभी काफी चिंतित हो गए, घर के लोग किसी अनहोनी की आशंका से भी घिर गए। 13 दिसंबर 2022 को शाम के वक्त मोनिका ने देखा कि अनुज दीवार पर घिसता हुआ कुछ साफ कर रहा है। मोनिका उसके पास गई, उसने देखा कि दीवार पर कुछ लाल धब्बे थे जिन पर अनुज डिटर्जेंट का झाग रगड़ रहा था। वह उस पर अंगुली लगाकर पूछ बैठी, अनुज ये तो खून के धब्बे लगते हैं, दीवार पर कैसे? अरे दीदी, ये मेरे नाक के हैं, मैं नक्सीर से परेशान हो गया हूँ, आज ही दिन में नाक से खून निकल पड़ा था, हाथ में लग गया था, घबराहट के साथ अनुज बोला। अरे भाई, तू ठीक से इलाज क्यों नहीं करवाता है, कहकर मोनिका वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वह दोबारा उस दीवार के पास आई जहां अनुज ने सफाई की थी। वहां खून के कई छोटे बड़े साफ किए गए निशान थे। वह उलझन में पड़ गई कि नक्सीर में इतना सारा खून निकला है, वह भी सर्दी में। वह ये नहीं समझ पा रही थी कि अनुज से इस बारे में पूछने पर घबरा क्यों गया था, उस वक्त उसके चेहरे का रंग सफेद क्यों पड़ गया था। अपने मन की बात उसने शिवी को भी बताई। शिवी ने अनुज की नक्सीर वाली बात सिरे से इनकार कर दी। वह यहां तक बोली कि ऐसा अनुज की किसी बीमारी के बारे में पहली बार सुनने को मिला है। शिवी को भी अनुज की नक्सीर वाली बात हजम नहीं हुई, वह अनुज के पागलों जैसे तेवर और उसकी आदतों से परिचित थी। कई बार उसने उसे काफी तनाव में भी देखा और उसकी अनर्गल बातें भी सुनी थी। उससे वह न केवल आत्महत्या की बातें करता रहा था बल्कि उसकी डेट तक निर्धारित कर देता था। उसकी बातों को वह मजाक में टाल दिया करती थी, किंतु मोनिका की बात सुनकर वह भी चौंक गई। मन तो नहीं मान रहा था, फिर भी सोच में पड़ गई कि कहीं अनुज ने ताई के साथ कुछ गलत न कर दिया हो। तुरंत अपने मन को समझाया, नहीं नहीं, उसका भाई ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो धार्मिक विचारों का भी है, मंदिरों के कीर्तन और दूसरे धार्मिक समागम में शामिल होता रहता है, जयपुर के अलावा दिल्ली के धार्मिक संस्थानों से भी जुड़ा हुआ है। फिर भी उसने एक बार उससे पूछने की हिम्मत जुटाई। शिवी ने अपनी ताई के बारे में अनुज को कुरेद दिया। अनुज पहले तो सकपकाया, सिर्फ इतना ही बताया कि जब वह इंदौर गई हुई थी उस रोज ताई से थोड़ी बकझक हो गई थी। ताई के डांटने पर वह नाराज होकर घर से चला गया था। शिवी ने दीवार पर लगे खून और नक्सीर की बात भी पूछी। उसके जवाब में अनुज ने स्वीकार कर लिया कि नक्सीर की बात गलत है, लेकिन उसने एक नई बात बताई। वह सुनकर शिवी चौंक पड़ी। उसने बताया कि वह जिस रोज पापा के साथ इंदौर गई हुई थी उसी रोज ताई से तूतूमैमैं हो गई थी। तब बात बहुत बढ़ गई थी, उन्होंने मारने के लिए उस पर हाथ उठा लिया था, तब उसने बचाव करते हुए ताई को धक्का दे दिया था। इसी धक्के के चलते ताई का सिर दीवार से टकरा गया था, उनके सिर से खून भी निकल आया था। इसके बाद वह उसी वक्त घर से चली गई थी। अनुज ने बताया कि उसके थोड़ी देर बाद ही वह भी घर से चला गया था। वापस लौटने पर उसने दीवार पर खून के धब्बे देखे थे जो सूख चुके थे, उसे ही साफ करते हुए मोनिका ने देखा था। शिवी को अनुज की बात न जाने क्यों अधूरी और कुछ छिपाने जैसी लगी कि ताई के साथ जरा सी बात पर उसने आखिर जोर का धक्का क्यों मारा होगा। ताई तो अक्सर उसे किसी न किसी बात पर समझाती रहती थी, उसकी आदतों को सुधारने की कोशिश में लगी रहती थी। डांटती जरूर थी, लेकिन माँ की तरह प्यार दुलार भी करती थी। शिवी ने अनुज की कहानी पापा को बताई, साथ ही उसने आशंका जताई, पापा कहीं अनुज ने ताई का मर्डर तो नहीं कर दिया, वह संकी तो है ही। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता है, वह समझदार है, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, ताई को माँ की तरह मानता है। हाँ, माँ के निधन के बाद थोड़ा दुखी जरूर रहता है, माँ के जाने का गम भुला नहीं पाया है, बद्री प्रसाद बेटी को समझाते हुए बोले। लेकिन पापा, उसने मोनिका दीदी को कुछ और बताया और मुझे कुछ और, शिवी ने तर्क किया। तुम कहती हो तो मैं उससे कल दिन में पूछूंगा, यदि इसमें जरा सा भी मुझे शक हुआ तो मैं उसे कानून के हवाले करने से पीछे नहीं हटूंगा, बद्री प्रसाद बोले। शिवी का अनुज पर शक बना हुआ था, इसी तरह मोनिका ने भी जब से अनुज को दीवार पर खून के धब्बे साफ करते देखा था तभी से उस पर संदेह करने लगी थी।
उसके दिमाग में भी एक ही विचार बार बार आ रहा था कि कहीं अनुज ने उसकी माँ को मार न डाला हो। वह तो है ही अधपागल इंसान। परिवार में सभी के मन में अनुज के प्रति शक का कीड़ा दौड़ने लगा था। इसका कारण भी था कि 5 दिन बीत जाने के बावजूद लापता सरोज शर्मा का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच मोनिका की बहन पूजा भी अपनी ससुराल से अजमेर पहुंच चुकी थी। उसकी नजर अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे पर गई। उसने इसकी जांच करवाने के लिए पुलिस को कहा। उससे पहले उसने 11 दिसंबर की फुटेज देखी। उसमें अनुज शाम को बाल्टी और सूटकेस लेकर आता हुआ दिखा। ये बात उसने सिर्फ अपनी बहन मोनिका को बताए और अगले रोज 16 दिसंबर को दोनों बहनें विद्यानगर थाने जाकर एसएचओ वीरेंद्र कुरील से मिली और नए सिरे से जांच करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपनी मां की हत्या की आशंका जताई। चचेरे भाई अनुज शर्मा को बुलाकर उससे पूछताछ करने की विनती की। कारण, जिस दिन उनकी मां लापता हुई थी उस दिन घर में केवल अनुज ही था। इस शिकायत को एसएचओ ने गंभीरता से लिया और एक कांस्टेबल को उनके घर भेजकर सीसीटीवी का फुटेज मंगवा लिया। सरोज शर्मा की गुमशुदगी के एक दिन पहले से लेकर बाद के 2 दिनों तक के फुटेज खंगाले गए। उसमें अनुज के कई संदिग्ध फुटेज दिखे जो 11 दिसंबर के थे। वह दिन में सूटकेस और बाल्टी लेकर घर में जाता हुआ और शाम को उसी सामान के साथ आता भी दिखा। इस तहकीकात में करीब 2 दिन और निकल गए। तब तक अनुज हरिद्वार में चल रहे अपने इलाज की बात बताकर चला गया था। उसका घर से जाने पर मोनिका और पूजा के संदेह और बढ़ गया। इधर एसएचओ कुरील ने अनुज को थाने बुलवाया, लेकिन उसके वहां नहीं होने पर वह भी उस पर शक करने लगे। खैर, पुलिस देर किए बिना घर वालों को लेकर हरिद्वार पहुंच गई। वहां अनुज नहीं मिला, लेकिन छानबीन के बाद उसके वहां से दिल्ली जाने की जानकारी मिल गई। आखिरकार मोबाइल सर्विलांस की मदद से पुलिस अनुज तक पहुंचने में सफल हो गई। विद्यानगर थाने में एसएचओ कुरील और एसआई राजबीर सिंह ने अनुज से गहन पूछताछ की। उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया। पूछताछ का सिलसिला करीब 6 घंटे तक चला। इस बीच अनुज तरह तरह की कहानियां बताकर पुलिस को उलझाता रहा। आखिरकार वह घुमावदार बातों में खुद उलझ गया। उसके मुंह से अनायास ही ताई की हत्या की बात तब निकल गई जब पुलिस ने उसके धार्मिक होने का मनोवैज्ञानिक दबाव डाला। उसने बताया कि ताई की हत्या कर लाश के टुकड़े जंगल में फेंक दिए थे। हत्या का जुर्म कबूल करने पर अनुज के खिलाफ सरोज देवी की हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने अजमेर दिल्ली रोड स्थित जंगल में 3 जगह से सरोज देवी की लाश के 8 टुकड़े बरामद कर लिए जो मिट्टी के नीचे दबाए गए थे। उन्हीं में सरोज देवी का सिर भी था। पुलिस की एफएसएल टीम ने उनकी जांच की। इसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। पुलिस को उसने ताई की हत्या का जो कारण बताया वह बहुत ही साधारण था, लेकिन उसके चलते कोई इंसान इतना खूंखार और आक्रामक बन सकता है, ये पुलिस के लिए भी हैरानी में डालने वाली बात थी। उसके मन की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मनोचिकित्सक को बुलाया और उसकी मेडिकल जांच करवाई। अनुज ने ताई की हत्या की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार निकली। बद्री प्रसाद अपनी बेटी शिवी के लिए रिश्ता तय करने के सिलसिले में 10 दिसंबर 2022 की शाम इंदौर चले गए थे। अगले रोज 11 दिसंबर को करीब 10:30 बजे सुबह ताई सरोज शर्मा घर में अकेली थी। वह कुछ पका रही थी। अनुज बाथरूम से निकला और उनसे बोला, ताई जल्दी से जो कुछ पकाया है वही मुझे दे दो, अभी दिल्ली जाना है। अभी अभी क्यों, बद्री को तो आ जाने दो, मैं घर में अकेली रहूंगी। सरोज बोली, नहीं नहीं ताई, वहां आज ही मुझे एक कीर्तन सभा में शामिल होना है, फोन आया है। फिर वहां से भागवत कथा में देहरादून जाना होगा। अनुज बोला, नहीं जाना वहां। बेटा तुम अपने काम पर ध्यान देते हो नहीं और इधर उधर कीर्तन भजन में लगे रहते हो, उससे तुम्हारा भविष्य नहीं बनने वाला। तुम्हारी उम्र भजन कीर्तन की नहीं है। इंजीनियर हो अपने फील्ड में अच्छा काम ढूंढो, एक जगह टिक कर काम करो, करियर बनाओ, सरोज बोलती चली जा रही थी, जबकि उनकी किसी बात का अनुज पर असर नहीं हो रहा था। वह एक ही रट लगाए हुए था कि दिल्ली जाना है तो जाना है। ताई के एक एक शब्द उसके कानों में तेजाब की तरह लग रहे थे। असल में उसने दिल्ली जाने के लिए ताई से कुछ पैसे मांग लिए थे। घरेलू खर्च का हिसाब किताब ताई ही रखती थी, इसी पर वह बिफर गई थी। उन्हें पता था कि अनुज का दिल कामकाज में नहीं लगता है। वह धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर अपना भविष्य चौपट करने पर लगा हुआ है, इधर उधर समय गुजारता रहता है, दोस्तों के बीच पैसे खर्च करता रहता है। नाराज सरोज शर्मा ने यहां तक कहा कि घर पर रहकर काम करो और अपनी गृहस्थी बनाओ।
मैं खर्च नहीं देने वाली हूँ। इस पर अनुज गुस्से में आ गया। उसने बोला, पैसे तुम्हारे नहीं मेरे पापा के हैं। इस पर सरोज भी गुस्से में बोल पड़ी, पापा के हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे तुम उड़ाते रहो। घर में 50 तरह के खर्च हैं, बहन की शादी होनी है। इतना कहना था कि अनुज तमतमा गया। बिफरता हुआ गुस्से में कमरे में रखा लोहे का बड़ा हथौड़ा उठाया और आगे पीछे सोचे बगैर ताई के सिर पर दे मारा। उसने हथौड़े से एक दो नहीं बल्कि दनादन 4-5 वार कर दिए। साथ में बड़बड़ाता रहा, देखता हूँ कैसे नहीं पैसे देगी, मेरे ही पैसे पर कुंडली मारना चाहती है। इससे सरोज शर्मा बुरी तरह से लहूलुहान हो गईं, वहीं निढाल होकर गिर पड़ी। अनुज जमीन पर गिरी ताई के खून से सने सिर को एकटक निहारने लगा। कुछ देर तक बुत बना रहा, फिर उसने ताई की नाक के पास अंगुली ले जाकर देखा, उनकी सांसें बंद हो चुकी थीं। ये देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा कि अब क्या करे। ताई की लाश को पिता और बहन के आने से पहले ठिकाने लगाने की सोचने लगा। अचानक उसे दिल्ली का श्रद्धा कांड याद हो आया, जिसकी लाश को 35 टुकड़े में काटकर दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया गया था। फिर क्या था, उसके दिमाग में बिजली कौंध गई। वह तुरंत ताई की लाश को रसोई से घसीटकर बाथरूम में ले गया। उसे बाहर से बंद कर खून लगे अपने कपड़े बदले और फ्लैट को लॉक कर बाजार चला गया। वहां से एक बड़ा चाकू खरीद लाया और लाश के टुकड़े करने लगा, किंतु ऐसा नहीं कर सका। वह वापस बाजार गया और सीकर रोड स्थित हार्डवेयर की दुकान से 1500 रुपये में मार्बल कटर खरीद लाया। कटर से ही उसने शव के 10 टुकड़े किए और छोटे छोटे टुकड़े पानी डालकर नाली में बहा दिए। कटे हुए बड़े टुकड़ों को ट्रॉली बैग के सूटकेस में पैक कर लिया और बचे कुछ टुकड़े बाल्टी में भरकर पॉलीथीन से ढक दिए। पूरी तैयारी के साथ शव को ठिकाने लगाने के लिए लिफ्ट के जरिए दोपहर करीब 2:45 बजे तीसरी मंजिल से पार्किंग में आया। नीचे उसकी कार खड़ी थी। सूटकेस कार की डिक्की में डाला और बाल्टी ड्राइविंग सीट के बगल में रख ली। गूगल मैप के सहारे जयपुर दिल्ली हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर जंगल की तरफ निकल गया। घने जंगल के किनारे उसने कार रोकी। एक हाथ से ट्रॉली बैग खींचते हुए और दूसरे हाथ में बाल्टी लेकर जंगल के भीतर करीब 200 मीटर चला गया। वहीं उसने कहीं सिर तो कहीं शव के दूसरे हिस्सों को जमीन में दबा दिया। शव को ठिकाने लगाने के बाद अनुज सूटकेस और बाल्टी लेकर घर आया। उसने रसोई और बाथरूम में जमीन पर फैले खून को वॉशिंग पाउडर से रगड़ रगड़ कर साफ किया। तब तक शाम हो गई थी, अंधेरा नहीं हुआ था। वह पूरी तैयारी के साथ अपने फ्लैट से नीचे आया और आसपास जो कोई देखा उनसे ताई के बारे में पूछने लगा। इस तरह से उसने पूरे मोहल्ले में यह बात बता दी कि उसकी ताई कहीं गुम हो गई है और उनकी तलाश के लिए विद्यानगर थाने जाकर शिकायत भी कर दी। इस तरह से बीटेक की पढ़ाई करने वाले अनुज ने एक जघन्य अपराध कर दिया। पूछताछ में अनुज ने बताया कि ताई कैंसर की मरीज थी और वह उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं करता था, लेकिन उनकी टोकाटाकी से तंग आ गया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने पर अनुज को एक जॉब मिल गई थी, लेकिन उसमें उसका मन नहीं लगा और उसने इस्कान मंदिर में दीक्षा ले ली। ये करीब 9 साल पहले की बात है। उसके बाद वह ज्यादा समय अध्यात्म में लगाने लगा। ताई सरोज शर्मा इसी बात को लेकर परेशान रहती थी कि कहीं वह अध्यात्म और धर्म के चक्कर में पड़कर परिवार से कट न जाए। माँ की मृत्यु का उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ था। उसने कई बार अपनी बहन शिवी को बताया था कि उसकी 37 साल में मृत्यु होने वाली है, अगर उसकी मौत नहीं हुई तो वह सुसाइड भी कर सकता है। इस पर उसकी बहन हंस कर टाल देती थी। ताई की हत्या की घटना के बाद शिवी ने भी पुलिस को बताया कि अनुज काफी समय से मेंटली डिस्टर्ब चल रहा था। वह अक्सर बताता था कि उसे रात को नींद नहीं आती है। एक घटना के बारे में शिवी ने बताया कि करीब 6 माह पहले उसने मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से तब बंद कर दिया था जब वह लैपटॉप पर काम कर रही थी। कमरे के बाहर अनुज और पिता की तेज आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब पिता ने दरवाजा खोला तब उसने देखा कि अनुज केरोसिन तेल से नहाया हुआ था। वह बार बार आत्महत्या की बातें कर रहा था। उस रोज उसे किसी तरह संभाला गया था। अनुज के बारे में ली गई तमाम जानकारी के बाद पुलिस ने उसका इलाज किसी अच्छे मनोचिकित्सक से करवाने की सलाह दी थी। उससे DCP नॉर्थ पारिस देशमुख ने भी पूछताछ की, जिसमें मालूम हुआ कि कैंसर से पीड़ित सरोज शर्मा के इलाज के लिए उसका बेटा कनाडा से पैसे भेजता था। उसी में से वह अनुज को खर्च आदि के लिए भी दे देती थी। बद्री प्रसाद अपने बच्चों के साथ उनका इलाज करवा रहे थे। सभी तरह की तहकीकात पूरी हो जाने के बाद 26 दिसंबर 2022 को अनुज को कोर्ट में पेश कर दिया गया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया।
साथ ही उसकी मनोचिकित्सक से इलाज करवाने की सलाह दी गई।